जय माता दी गाइस, कैसी है हमारी यूट्यूब फैमिली। आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे, खुश होंगे, अपनी ज़िंदगी मस्त होंगे, माता रानी सबको खुश रखे। सो गाइस, सुबह के 8 बज रहे हैं और हमारे अपने काम शुरू हो गए हैं, तो हम जल्दी बना लेते हैं यहाँ पर भोजन। और भोजन में हमने क्या बनाया है, आलू टमाटर शिमला मिर्च की सब्जी रसीली वाली, चावल, और जल्दी सेक लेते हैं रोटी। सबको करा देते हैं पहले भोजन, और हमारी कहीं जाने की भी तैयारी बन रही है। कहाँ जा रहे हैं तो आप लोगों से बताएं, हम जा रहे हैं अपने मायके, क्योंकि पिछले ब्लॉग में आप लोगों ने देखा कि भैया भाभी सब लोग आए हुए हैं और कल से पूरी शॉपिंग हो गई है। यानी रात में 11:30 बजे तक हम रानी दीदी शॉपिंग कराए, और आप लोगों ने बहुत ही प्यारे प्यारे कमेंट किया है। कई बहनों ने तो कमेंट किया है कि आप बहुत ही किस्मत वाली हैं कि ऐसे भैया भाभी हैं कि आपके साथ ही, यानी तीनों बहनें आप लोग साथ में हो और भैया भाभी शॉपिंग कर रहे हैं। तो ये बात बिल्कुल सही है, हमारे भैया भाभी ना बहुत ही अच्छे हैं। यानी जैसे हमारे माता पिता थे वैसे हमारे भैया। हमारे काम पूरे हो गए, हमने सबको भोजन कराने के बाद अपनी किचन भी क्लीन कर लिए हैं, और भैया भाभी आ गए थे, पी पी हारन बजने लगा तो हम यहाँ से निकल लिए हैं। और इतनी जल्दी जल्दी अपनी तैयारी किए हैं, यानी 2 साड़ी रख लिए हैं, 1 सूट और 1 सूट पहन लिए। मनु भी हमारे साथ जा रहे हैं, तो चलिए चलते हैं बिट्टू के यहाँ। जगाइए भाभी इसको। जगो, नानी आई है, नानी नानी से नहीं मिलना है। हेलो बाबू, बाबू नानी से नहीं मिलोगे? मनु खिला लो। भूख लगी बाबू? भूख लगी भैया को? बिट्टू भूख लगी है इसको? अच्छा, मिलन हो गया, सब दिन का मिलन हो रहा है। नानी नानी सबसे मिलकर कितना अच्छा लगा, वही दीदी से बोल रहे। हमारे ना दो रिश्ते हैं, जबकि बिट्टू की ससुराल हमारी ससुराल एकदम से पास में ही है, और बिट्टू रहती है कुंडा में, हम रहते हैं मानिकपुर में। और दीदी लोगों से वही कह रहे हैं कि जब यहाँ पास में महोत्सव लगे ना, तब आप आइएगा जरूर लखनऊ, सब लोग साथ साथ में घूमेंगे। अच्छा लगेगा। बाबू नानी को मत जाने दो, नानी को मत जाने दो। एकदम गोला चेहरा है दीदी। हाँ हाँ, एकदम बिट्टू का भी तो गोला है एकदम से, बिट्टू भी मिक्स है, अभी सब पे मिक्स है बाबू। सो गाइस, आज ना हम लोगों की अतर्रा की तैयारी है, आज है यानी वंदना बहू के छोटे वाले बेटे का बर्थडे, तो हम सब लोग जा रहे हैं। दीदी से भी बोल रहे हैं कि दीदी आप भी चलिए, कितनी खुशी, आज इतनी जल्दी जल्दी काम की हूँ, सबको भोजन बना करके खिला करके किचन क्लीन करके अपनी गले में, बिट्टू भी रेडी हो रहे हैं, आज चलते। चलिए भाभी देर मत करिए, अभी हमारे दादू भैया को ना कान खुले, डॉक्टर को भी दिखाना है। इतना चेहरा दिखाते हैं, बिट्टू भी हमारी तैयारी। अरे बिट्टू, सब लोग तुमको पूछते रहते हैं ना, बिट्टू कैसी है, बिट्टू आप लेकिन जी कैसी। आज तक आपने ये सस्पेंस नहीं खोला, मैंने बहुत लोगों के कमेंट पढ़े हैं कि बिट्टू के हस्बैंड क्या करते हैं। हाँ, क्या करते हैं तुम भी बता दो, हम नहीं समझ पा रहे। बता दो मेरे हस्बैंड इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन में इस समय पर मैनेजर हैं। अब आप गाइस सुन लिए ना, हम नहीं बोल पाते, मैं क्या बोलूं, अभी कुछ उल्टा सीधा बता दूं तो मुझे भी शर्म। जानते थे लेकिन हम बताना ना, हमको समझ में नहीं आता कि बताएं कि ना बताएं, लेकिन आज हमारे बिट्टू रानी ने बताई थी आप लोगों से, बड़ी खुशी की बात है। नानू के साथ ही निकल जाओ, ले जाए बिट्टू।
दीदी पता है, दीदी इधर आइए, हमको सबसे बड़ी खुशी ये है कि मुझे ऐसी सासू माँ बहुत ही पसंद आती है, कि जो आजकल का माहौल है ना, माहौल में एकदम से ढली हुई सासू माँ, कोई पर्दा नहीं कुछ नहीं, चाहे जैसे रहो। और हमारे बिट्टू जैसे ही मायके में थी वैसे वो ससुराल में भी है, बहुत ही खुशी की बात है। ऐसे लोग हमको बहुत अच्छे लगते हैं, मैं भी ऐसे ही बनना चाहती हूँ अपने बहू के लिए। सब लोग बनेंगे, सब लोग ऐसे रहेंगे। मुझे तो बड़ी खुशी होती, मैंने कहा मैं लेकर के जाती दया, मैं भी नैमी सारा भगवान जी के दर्शन करा थी। वो नहीं खालता अकेले निकलना, डेली निकलना अकेले, वो भी थाला ठीक नहीं लगता। मैं पीछे से पता नहीं कोई गाड़ी वाला आ रहा, ठोके दे रहा। अंकल आपको मैं जाऊंगी बर्थडे छोटू की लड़की का, इसीलिए हम लोग जा रहे हैं। तो कानपुर से फिर वैसे आएंगे, और रुचि रानी अभी 11 बजे निकलेंगी। वो लोग भी हम कैद किए ले रहे हैं। बस करिए भैया, कैद कर लीजिए वो अच्छे से। हाँ खूब कैद कर रहे हैं। लीजिए हमारे भैया जी से मिलिए। बिट्टू बताया करते कि आप हमारे ब्लॉग देखते हैं। ब्लॉग देखते हैं। हाँ तभी तभी सिद्धार्थी माता के दर्शन हुए कि उनके हमारे बहुत रिश्ते हैं। रानी रानी हमारी रानी फिदा है, रानी भी तो फिदा है। बताइए ना। मनु सो गाइज, आज ना बिट्टू की पूरी फैमिली से आप लोगों को अच्छे से मिलवा दिए। सच बताएं सबसे मिलकर कितना अच्छा लगा, आप लोगों को भी बहुत ही अच्छा लगेगा। बिट्टू की फैमिली कितनी अच्छी है। और इसके बाद हम लोग निकल लिए हैं कानपुर के लिए। और भैया भाभी का कहना था कि पहले बिट्टू से मिल लेते हैं इसके बाद ही जाते हैं, क्योंकि यहाँ ना 2 दिन से तो भैया भाभी शॉपिंग ही कर रहे थे, और उस दिन भाभी ने सिर्फ 5-6 घंटे टाइम दिया था, लेकिन सबसे मिल करके बहुत ही अच्छा लगा। मनु भी छोटे बाबू से मिल लिए हैं, कह रहे थे मम्मा कितना क्यूट था, ऐसे लग रहा था कि छोटे बाबू को लेकर के साथ में चलें। तो हमने कहा आप भी ऐसे ही थे जैसे आज वो छोटा बाबू है, तो आप लोग भी गंगा मैया के दर्शन करिए। हम लोग भी गंगा मैया के दर्शन कर रहे हैं, और लखनऊ से लेकर के ना कानपुर पहुँचने में ना इतना टाइम लगा, पूरे 3 घंटे लग गए थे, क्योंकि इतना रास्ते में जाम था कि सब लोग ना हम लोग परेशान हो गए। तो बस कानपुर पहुँचने वाले हैं, और रुचि और रानी ना यानी 11:30 बजे तक लखनऊ से निकलेंगी, और हम सब लोग साथ में ही मिल जाएंगे रास्ते में। लेकिन हाँ कानपुर में तो टाइम लगेगा लगेगा। सो गाइज हम लोग आ गए हैं कानपुर। हम भाभी से बोल रहे हैं कि भाभी कानपुर में भी आप लोग शॉपिंग कर लीजिएगा, कानपुर में भी बहुत ही अच्छा सामान मिलता है। हम लोग आ गए हॉस्पिटल, और भैया जी गए हुए हैं दिखाने के लिए, भाभी और दीदी हम सब लोग बाहर बैठे हुए हैं। हम देखिए कितना टाइम लगता है, और ये टाइम ना 1:30 बज गए थे, और हम लोग ना घर से चाय पी करके निकले थे, और खाना रानी ने पैक करके रख दिया है, कार में रखा हुआ है। पहले डॉक्टर को दिखा लेते हैं, इसके बाद ही आराम से हम लोग भोजन करेंगे। तो मनु अपना कुछ ना कुछ नाश्ता ले लिए हैं, यहाँ से चिप्स वगैरह ले लिए हैं, मनु अपना खा रहे हैं। और इसके बाद ना भैया को देखो कितना टाइम लगता है, और भाभी बोल रही हैं कि सब लोग चलो कॉफ़ी पी लेते, हमने कहा आप कुछ नहीं पिएंगे कॉफ़ी वगैरह। सो गाइज हम लोग कार में ही भोजन यहाँ पर निकाल लिए हैं। देखिए रानी ने बना करके दिया है आलू और गोभी की सब्जी, और पनीर और आलू की सूखी वाली सब्जी, अचार है, चटनी है, और यहाँ पर पूड़ियाँ हैं। तो आप लोग भी आ जाइए, सब लोग करते हैं पहले भोजन। और सच तो ये है ना, सुबह से अगर कुछ भी नाश्ता करके ना रखो, और जब भोजन को देखो ना, तो मन बस यही करता है कि जल्दी भोजन निकले, हम लोग भोजन करें। और इसके बाद ना भैया का कहना था कि चलो थोड़ी बहुत मार्केट में भी घूम लेते हैं। तो यहाँ पर भैया आ गए हैं, और यानी डाइनिंग टेबल है, सोफ़ा वगैरह है, बेड वगैरह हैं, तो यहाँ पर भैया देख रहे हैं।
और हमारे भैया ना शॉपिंग करने के बहुत ही शौकीन है, सच बताएं ना उनको अगर पूरा दिन कह दो तो शॉपिंग करते रहेंगे और लेते भी हैं। हमने कहा भैया भी कैसे ले जाएंगे, आराम से चले, टाइम ना पास करिए, चलते हैं। हम लोगों को ना टाइम से पहुंचना भी था तर्रा, लेकिन भैया का मन बस यही कर रहा था कि चलो पहले घूम लेते हैं। सो गाइस यहाँ पर है किचन वाला सेट है और सब बहुत ही अच्छा, मतलब कानपुर में ना ये सब चीज़ें बहुत ही अच्छी मिलती हैं, ब्रांड भी काफ़ी अच्छा मिल जाता है। ट्रेन में हो या बस में हो या कार में हो, कुछ ना कुछ टाइम पास करने के लिए तो लेना ही चाहिए। तो भैया ने ले लिया है यहाँ से मूंगफली, और कानपुर में ना मूंगफली भी बहुत ही अच्छी वाली भुनी हुई मिल रही थी, और सच बताए ना खाने भी बहुत ही टेस्टी है। तो पहले हम लोग खाते हैं पॉपकॉर्न, आप लोग भी लीजिए। और इसके बाद जैसे हम लोग कानपुर से निकलने लगे, काफ़ी सब लोगों की इच्छा थी कि सोनपरी के लिए भी कुछ लेना है, तो यहाँ पर नहाने वाला टॉप भी देख रहे हैं हम लोग, और देख क्या रहे हैं भाभी ने, यानी पसंद भी कर लिया है। देखिए भाभी कह रहे इसी को लेना है। तो इस तरीके से ना कानपुर में भी काफ़ी शॉपिंग हो गई थी, और टाइम ना हम लोगों का काफ़ी हो गया था, यानी 4 बज रहे थे शाम को। तो बस यहाँ से हम लोग निकल रहे हैं और आराम ही आराम हम लोगों को निकलना है। अब हम लोग पहुँच गए हैं बबेरू, और जैसे कि कल है करवा चौथ, तो करवा चौथ की बहुत बहुत शुभकामनाएं हमारी YouTube फैमिली को, हमारी बहनों को। और पहले आएंगे मायके के ब्लॉक, इसके बाद ही करवा चौथ वाला ब्लॉक आएगा। सो गाइज आज का ब्लॉग कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएगा। इस ब्लॉग का एंड कर रहे हैं, बस अतर्रा हम लोग पहुँचने ही वाले हैं। जय माता दी गाइज, हर हर भोले।